जस्ट अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है। 5 महीने का रिलेशनशिप बेवजह ही खत्म हुआ है। वो कहती है हमारे रिश्ते में कोई स्पार्क नहीं है, किक नहीं है, इसलिए दूर होना चाह रही है। पर मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ, सब सही चल रहा था। पता नहीं लड़कियों की बातें वैसे समझ भी नहीं आती है। मैं उदास था तो अपनी फ्रेंड दिव्या के घर चला गया अपना रोना रोने। रचना से अलग होने का दुख काफी था तो अब दिव्या ही बताएगी क्या करना चाहिए इसमें। रचना मेरे घर के सामने ही रहती है, मेरी पड़ोसी बनकर आई थी। कुछ दिन तक नजरें मिलती रही, फिर एक दिन बात हो गई एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। अब वो घर के सामने ही रहती है तो उसे भूलना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। रोज नजरें मिल ही जाएंगी, मेरा बात करने का मन करेगा पर उसे तो मुझसे कुछ रखना नहीं है। वैसे हम खुश थे साथ में, उसके लिए मैंने अपनी दोस्तों से बात करना भी छोड़ दिया था क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं किसी और लड़की से बात करूं। पर दिव्या मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसे कैसे छोड़ देता। इसलिए रचना को मैंने कभी दिव्या के बारे में बताया ही नहीं था। उसके डर से मैंने दिव्या का नाम फोन में देव लिखकर सेव कर रखा था। हाँ, इस मामले में थोड़ी अजीब सी है वो, पर क्या करें, प्यार में था तो इतना करना पड़ता था। रचना ने कभी दिव्या को देखा भी नहीं है। देखा क्या, वो तो उसे जानती भी नहीं है। इंस्टा पे फॉलो भी नहीं करता मैं दिव्या को इसी वजह से। गर्लफ्रेंड के लिए क्या क्या करना पड़ता है देख रहे हो, मतलब ट्रस्ट ही नहीं है बंदे पे। दिव्या को मैं 4 साल से जानता हूँ, हर दुख दर्द में मेरे साथ वही रही है। मेरी कुछ नॉर्मल फ्रेंड्स थी उनसे तो बात रोक दी मैंने, पर दिव्या मेरे काफी क्लोज रही है। मेरी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन रहते हैं उसके पास, जैसे वो तारक मेहता हो और मैं उसका जेठालाल। मुझे समझती भी है वो अच्छे से और हंसी मजाक करके हंसाती भी बड़ा है। अभाष बेबी बेबी करके भी वो बुलाती है मुझे मजाक में, और मेरे नाम के साथ जब बेबी लगाती है ना तब मुझे बड़ा गुस्सा आता है। शायद मैं ज्यादा चिढ़ता हूँ इसीलिए बेबी बोलकर मुझे और चिढ़ाती है। मैंने मना किया है कि ना बोला करे, कोई सुन लेगा तो अजीब लगेगा, पर मेरे मना करने पे फिर और जोर जोर से चिल्लाती है। बड़ी बेफिक्र सी है वो, दुनिया की ज्यादा फिक्र नहीं करती, हमेशा चिल रहेगी। रोना धोना उसको आता ही नहीं, बस इरिटेट करना आता है मुझे, और उससे कभी पीछे नहीं हटती। मैं ही जाता हूँ अपनी परेशानी लेके उसके पास, कभी जॉब की टेंशन सुना दी और आज ब्रेकअप का दुखड़ा लेकर आया हूँ। बेवजह बिना मतलब का स्टूपिड रीजन देकर अलग हुई है रचना मुझसे, कोई मुझसे बेटर मिल गया होगा। अब तो सच में लगता है मैं किसी काम का ही नहीं हूँ। मैं दिव्या के घर गया, मैंने बताया उसे मेरा रचना से ब्रेकअप हो गया। वो खुश हो गई, उसने कहा थैंक गॉड फाइनली तेरा उस लड़की से पीछा छूट गया। मैंने बोला ऐसा मत बोल यार, उदास हूं मैं बहुत, बताना क्या करूं। उसने मेरा फोन लिया और एक डेटिंग ऐप इंस्टॉल करके दे दिया, कहा यही है मूव ऑन का रास्ता गुरु। मैंने बोला लेकिन मूव ऑन का मतलब दूसरी पटाना थोड़ी ना होता है। उसने कहा ट्राई तो कर, तुझे नहीं पता इससे क्या क्या होता है। पर अपने रियल नेम और रियल फोटो से मत आइयो, फेक अकाउंट क्रिएट कर, देखा मैं क्रिएट करके देती हूँ। जब तेरी किसी से अच्छी बातचीत हो जाएगी ना तब अपनी असली आइडेंटिटी बता दियो, रचना से लाख गुना अच्छी लड़कियां मिलेंगी। हाँ मैं लिख के देती हूँ। मैंने कहा पर फेक अकाउंट क्यों क्रिएट करना है। उसने बोला ये लोकेशन के हिसाब से तुझे मैचेस ढूंढ के देता है तो बहुत चांसेस है कोई जान पहचान वाला मिल ही जाता है। तो अब तू अभाष से हो गया अविनाश, ठीक है बायो लिख देती हूँ तेरी, कुछ को लाइक्स भेज देती हूँ, चेक कर ले। ठीक है, अपनी नेक्स्ट पे बिजी हो जाएगा ना तो अपनी एक्स को आराम से भूल जाएगा। वैसे रचना से मैं कभी मिली नहीं हूँ बट मुझे वो पसंद नहीं थी, ये क्या वो गर्लफ्रेंड है तो दोस्तों से बात नहीं कर पाएगा। तो अभाष बेबी, सॉरी अब तो अविनाश बेबी, अब जाओ मैच बनाओ, मुझे थोड़ा काम है अभी। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला यार बेबी बुलाना बंद कर दे, मुझे गुस्सा दिलाती है तू दिव्या कभी कभी। वो हंसने लगी और मैं वहां से चला गया। 2 दिन तक कोई मैच नहीं आया, बस लाइक्स ही भेजे जा रहा था। रचना दिखती थी कभी सामने वाली छत पे, मैं स्माइल करता था तो वो भी रुखी सी स्माइल कर देती थी मुझे देख के। दुख था अंदर रचना से बिछड़ जाने का, पुरानी चैट्स देखकर यादें ताजा हो जाती थी। मूव ऑन करना आसान बात नहीं है यार, खुद को बिजी रखने की कोशिश भी करो तो भी उसकी याद आ जाती थी। रात को सोने से पहले मैंने फोन देखा तो मिताली के नाम से लाइक आया हुआ था, मैंने भी स्वाइप राइट कर दिया और हमारा मैच बन गया। मैंने टेक्स्ट किया हाय व्हाट्सएप, वहां से भी रिप्लाई आ गया नथिंग मच। वो शुरुआत में ही मेरा नंबर मांगने लगी, मैंने बोला पहले एक दूसरे को जान तो लें, इतनी भी क्या है जल्दी। फिर वो बताने लगी अपने बारे में और मैं हैरान था ये सुन के कि हमारे इंटरेस्ट कितने ज्यादा मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रचना की पसंद मेरी पसंद बन गए थे। पर इस मिताली से तो थोड़ी देर बात करने पे ही लग रहा था कि हम एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए होता, बस आपस में अपनी नेटफ्लिक्स वॉचलिस्ट मिल जाती है ना फिर तो मैं चुप ही नहीं होता। मुझे बस कोई चाहिए मेरे फेवरेट शोज की मुझसे बात करने वाला, और इसने तो ब्रेकिंग बैड भी पहले से देख रखा है। रचना को दिखाने के लिए मुझे कितना फोर्स करना पड़ा था, पॉडकास्ट भी सुनती है यार,
ये लड़की तो पहली बार में ही दिल ले गई, वाइब्स मैच कर ही रही है इससे। बस अब और कोई जानकारी मुझे चाहिए ही नहीं। उसे भी अच्छा लग रहा था मुझसे बात करने में, पता लग ही जाता है यार टेक्स्ट करने के तरीके से। फिर उसने मेरे प्रीवियस रिलेशनशिप के बारे में पूछा, मैंने बोला हाँ थी एक, पर बहुत ही स्टूपिड रीजन देकर उसने ब्रेकअप कर लिया। मैंने पूछा तो उसने बताया हाँ उसका भी रिलेशनशिप चल रहा था पर फिर सेम ब्रेकअप हो गया। सबकी जिंदगी सेम ही चलती है क्या? रिश्ते निभाने शायद कम ही लोगों को आते हैं। रचना का प्यार क्या करें, याद तो आता ही रहेगा, पर आगे तो बढ़ना ही है, तो मिताली से भी मिलकर आते हैं। फिर मिताली ने कहा, अच्छा विनाश बाय, अब नींद आने लगी है। पर बात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाय बोलने के बाद भी एक घंटे तक हमारी बात चली है। मैंने मिलने के लिए पूछा, उसने कहा हाँ मिल सकते हैं। उसने फिर नंबर मांगा मेरा, मैंने बोला मिलकर ही सारी बात करते हैं। नाम और फोटो ही फेक लगा रखी है ना मैंने, इरादे और बातें तो सच ही थी। कल मिलकर इसे सब सच बता दूंगा, मैं पसंद आ ही गया हूँ इसे, तो ओवर रिएक्ट तो नहीं करेगी। दिव्या भी पागल है यार, फेक अकाउंट बना के दे दिया, क्या हो जाता जानने वाले पहचान भी जाते तो। चलो कोई नहीं, पूछ लेता हूँ मिताली से कहाँ मिलना है। सही है ना, ये टेक्स्ट पे सारी बात बता दे तो। उसने एक जगह बताई जो स्पॉट बिल्कुल मेरे घर के पास ही है। मैंने कहा मैं व्हाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स में रहूंगा, कल ऑफिस के बाद 6 बजे याद से मिलना ही है। उसने बोला हाँ मैं पहुंच जाऊंगी और येलो ड्रेस में रहूंगी मैं। येलो ड्रेस सुन के मुझे याद आया, रचना के बर्थडे पे उसे मैंने येलो ड्रेस ही गिफ्ट करी थी। पर अभी रचना को क्यों याद कर रहा हूँ मैं? उसने पूछा, मैं आई आस्क कि तुम नंबर क्यों नहीं दे रहे हो अभी? चलो ठीक है मत दो, तुम्हें ऑकवर्ड फील हो रहा होगा तो रहने दो अभी। मैंने कहा हाँ कल मिली तो रहे हैं, तभी सारी बात करते हैं। उसने बोला ओके अविनाश सोने जा रही हूँ, कल बात करते हैं। डेटिंग ऐप तो सही चीज़ है यार, 2-3 घंटे की बात में मीटिंग भी फिक्स हो गई। कल सुबह मैं ऑफिस के लिए तैयार हुआ, बाहर निकला तो रचना से मेरी मुलाकात हो गई। ब्लू कुर्ती व्हाइट सलवार, एक हाथ में हैंडबैग था और एक हाथ में शायद शॉपिंग का सामान। हम दोनों अक्सर ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं तो मिल ही जाते हैं, रास्ते अपोजिट है हमारे, पर घर से बस स्टॉप तक तो साथ ही चले जाते हैं। उसके शॉपिंग बैग में मेरी नजर पड़ी तो मेरा दिया हुआ तोहफा, वो येलो ड्रेस थी उसमें। मैंने बोला तुम मेरे गिफ्ट का क्या करने जा रही हो? उसने कहा अब ये मेरे किसी काम का नहीं है तो फेंकने जा रही हूँ इसे। मैंने कहा ये करने की क्या जरूरत है, ब्रेकअप के बाद लोग गिफ्ट्स वापस कर देते हैं, फेंकते नहीं हैं। उसने बोला तो अब क्या वापस लेके तुम पहनोगे इसे? मजाक कर रही हूँ, फेंकूंगी नहीं, टेलर को देने जा रही हूँ, थोड़ी खराब हो गई है। मैं चला गया ऑफिस, मिताली का टेक्स्ट आया गुड मॉर्निंग, मैंने बोला हाय, अच्छा लगा था कल बात करके, इट वॉज अमेजिंग। जब ऑफिस से छुट्टी हुई फिर उसका टेक्स्ट आया कि हेलो अविनाश मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। मैंने कहा हाँ मैं भी निकल रहा हूँ, तुम्हें सरप्राइज मिल सकता है, एक जरूरी बात तुम्हें बतानी थी। उसने बोला वैसे सरप्राइज तुम्हारे लिए भी है, इसलिए मैं नंबर मांग रही थी कि पहले एक बार बात हो जाती उसके बाद मिलते, पर तुमने ही जिद करी कि मिलना ही है, सो आई गेस हम दोनों ही सरप्राइजेस लेकर आ रहे हैं एक दूसरे के लिए। ये चीज भी मैच कर गई हमारी, हम बने ही तो नहीं है एक दूसरे के लिए। मैं उसका टेक्स्ट पढ़ के हंसने लगा। मैंने बोला मैं पहुंच गया, तुम पहुंची क्या? उसने कहा हाँ मैं भी आ गई, तुम दिख नहीं रहे कहीं। मैंने पूछा तुमने येलो ड्रेस पहनी है? मैं ढूंढता हूँ तुम्हें। फिर वहीं मुझे रचना भी दिख गई। मैंने सोचा चलो ठीक है, मिताली से मिलके जलाता हूँ इसे। मैं चलते चलते थोड़ी बाहर की साइड आ गया। मैंने पूछा कहाँ हो तुम, येलो ड्रेस में ही हो ना? उसने बोला नहीं नहीं येलो ड्रेस नहीं पहन पाई, खराब हो गई थी, मैं ब्लू कुर्ती और व्हाइट सलवार में हूँ अभी। मैंने उसे टेक्स्ट किया क्या? मैं अंदर गया, वहां थोड़ी ऊंची आवाज में उसका नाम चिल्लाया, मिताली। वो पीछे मुड़ी, मैं उसे देख के हैरान, वो मुझे देख के हैरान। अविनाश तो अभाषी था पर मिताली भी रचना निकली, हम दोनों ही दूसरे को देखते रहे, किसी ने कुछ कहा ही नहीं।